गुड मॉर्निंग एवरी वन, माई नेम शुभम सिंह, स्टडी अकाउंट विद शुभम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर में देखा, हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 21 सॉल्व किया था। आज हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 22 सॉल्व करेंगे और कसम खुदा की बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छी चीज़ें आप लोगों को सीखने की मिलेंगी इस क्वेश्चन में। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 22। तो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, इलस्ट्रेशन नंबर 22 हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक, तो सर इस क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे क्या? आखिर कुछ तो नया सीखेंगे ना। हाँ देखो, हम कुछ चीज़ें नई सीखेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। जैसे सर क्या आप इसमें बताना क्या चाहते हैं? देखो, मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूँ, इस क्वेश्चन में जो चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ वो चीज़ आप लोगों को पहले से आती है। ठीक, बस थोड़ा सा मैं आपके दिमाग को कुरेद कर वो चीज़ निकालूंगा, ठीक है ना। आती है मगर फिर भी आप लोग कर नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक, तो सर इस क्वेश्चन में है क्या, ऐसा क्या नया चीज़ है? देखो, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस जो आप लोग पढ़ चुके हो उसी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है आपके सामने। अच्छा, एक चीज़ आप लोग बताना कि अगर कोई बिजनेस में, ठीक, अगर किसी बिजनेस में कोई प्रॉफिट होता है, या कोई लॉस होता है, बिजनेस या लॉस होगा ही किसी प्रॉफिट में, अरे किसी बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस, इन दोनों में से कोई एक ही चीज होगी, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज बताना बस आप लोग, ये प्रॉफिट या लॉस, ये जो प्रॉफिट या लॉस होता है ये जा करके कहाँ पर जुड़ता है? जैसे कि मान लो आप लोग कि आप लोगों ने कोई बिजनेस शुरू किया, अपने ऊपर ले करके ये चीज देखना, आप लोगों ने कोई बिजनेस शुरू किया, ठीक, तो बिजनेस शुरू किया अगर आप लोगों ने, तो इस बिजनेस के अंदर आप लोग क्या डालते हो? अपनी कैपिटल, कैपिटल डालोगे कि नहीं डालोगे? इस बिजनेस में आप लोग क्या डालोगे? सर जाहिर सी बात है, इसको पैसा लगाएंगे इस बिजनेस में हम लोग, और वो पैसे को क्या नाम दिया जाएगा? कैपिटल कहा जाता है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा? नहीं सर, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है हमें रत्ती भर का भी, ठीक है। सर बिजनेस शुरू करेंगे तो उसमें हमें कैपिटल तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक। अच्छा एक चीज बताओ, जब साल के अंत में, आपका बिजनेस की जो बैलेंस शीट है वो बंद होगी और उसमें आपको ये पता चलेगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो उसका नेट इफेक्ट कहां पर पड़ेगा? नेट इफेक्ट कहां पर पड़ेगा? सर हमारी कैपिटल में। देखो उसके लिए अकाउंट वगैरह बनते हैं जिसमें भी प्रॉफिट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, जो भी अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस होगा वो सीधा कहां ट्रांसफर होता है? आप लोगों को पता है सर कि कहीं पर भी, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन का एग्जाम्पल दे देते हैं, जरा गौर करना इस पे, हमने ये पिछले क्वेश्चन का एग्जाम्पल दे दिया, क्वेश्चन नंबर 21 का, कि इस क्वेश्चन में देखो लॉस हो रहा था हमें। सर 100% की बात कही आपने, हाँ ठीक है लॉस हो रहा था, ये तो हमें मतलब कोई इसमें डाउट नहीं है। अच्छा इस लॉस का इफेक्ट कहाँ पड़ रहा था? इस लॉस का इफेक्ट सर पड़ रहा था पार्टनर के कैपिटल में। देखो ना, यहाँ देखो, टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस, यानी कि इनकी कैपिटल एक तरह से बोलो तो कम हो गई, ना। जैसे कि बी का केस ले लेते हैं हम, मान लेते हैं बी का केस कि इसने कैपिटल कितना लगाया था सर? 50,000 रुपए, मगर देखो ना लॉस होने के, 20,000 लॉस होने के कारण इसको कितना देना पड़ गया? सिर्फ 30,000 रुपए। यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सर यदि बिजनेस में लॉस होता है, यदि किसी बिजनेस में लॉस होता है तो उसका सीधा इफेक्ट कैपिटल पर पड़ता है और उसके इफेक्ट पड़ने के कारण लॉस की वजह से कैपिटल कम हो जाती है। ये बात आप लोग को ध्यान से सुन ली या एकदम दिमाग में घुस गई कि नहीं? एक बस एक चीज आप लोग ध्यान रखना, अगर किसी बिजनेस में कोई लॉस होता है, कोई लॉस अगर होता है किसी बिजनेस में, उसका इफेक्ट सीधा कैपिटल पर पड़ता है। और कैपिटल पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा, अच्छा या बुरा? सर लॉस हुआ है ना, तो इसकी वजह से कैपिटल कम हो जाएगी, जैसा कि हमने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में ये प्रूफ करके दिखा भी दिया कि यहाँ पर इनकी कैपिटल थी 50,000 रुपए और रियलाइजेशन में लॉस होने के कारण इनको
सिर्फ 30,000 वापस करना है, यानी कि 20,000 इनका कैपिटल कम हो गई। इन्होंने पैसा तो 50,000 लगाया था, मगर देखो ना लॉस हो गया 20,000 का, तो इनको 30,000 वापस करना है, यानी कि इनकी कैपिटल कितनी बची अब सिर्फ 30,000 रुपये। ठीक है, तो सर इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो कैपिटल क्या होगी? सर बढ़ जाएगी, नो डाउट। अगर किसी बिजनेस में लॉस होता है या प्रॉफिट होता है तो उसका सीधा इफेक्ट पड़ता है कैपिटल पर। कैसा इफेक्ट पड़ता है सर? अगर लॉस होगा तो सर कैपिटल कम हो जाएगी, अगर प्रॉफिट होगा तो सर कैपिटल बढ़ जाएगी। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है हमें इसमें। अच्छा एक चीज हम आप लोग को और बोलते हैं, उसको थोड़ा सा बस गौर से सुनना। अगर मान लीजिए कि किसी बिजनेस में, ध्यान से सुनना, कोई पार्टनर, अब ऐसा तो नहीं है कि ये कैपिटल हो गई तो अब सदा के लिए बिजनेस की हो गई, नहीं, पार्टनर चाहे तो इसमें से कुछ पैसा विड्रॉ कर सकता है, जिसको हम लोग ड्रॉइंग कहते हैं, विड्रॉ कर सकता है ना? हाँ सर बिल्कुल कर सकता है, कोई डाउट नहीं। या कोई पार्टनर चाहे तो उस कैपिटल में कुछ पैसा ऐड भी कर सकता है, यानी एडिशनल कैपिटल भी ला सकता है, ड्रॉइंग भी कर सकता है, एडिशनल कैपिटल भी ला सकता है। अच्छा आप लोग अब बताओ, यदि किसी बिजनेस में कोई एडिशनल कैपिटल ला करके ऐड की जाती है तो उस पर कैपिटल का क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब कि वो जो, जैसे मान लो कि एडिशनल कैपिटल लाया गया किसी बिजनेस के अंदर, तो कैपिटल क्या होगी हमारी, बढ़ेगी कि घटेगी? सर जाहिर सी बात है कि मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, हमारे पास 1,00,000 रुपए की कैपिटल थी, अब इसमें जो है और ऐड कर दिया गया 50,000 रुपए, एडिशनल कैपिटल लाई, 50,000 ऐड कर दी, अब ये क्या होगा सर? 1,50,000 हो जाएगा, यानी कि कैपिटल हमारी बढ़ जाएगी। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। यानी कि सर अगर ड्रॉइंग होगा तो कैपिटल घट जाएगी। बिल्कुल सही है, 100% की बात है, इसमें हमें नहीं लगता कहीं दिक्कत होगी आप लोग को। दो चीज समझ में आ गई कि सर अगर किसी बिजनेस में ना प्रॉफिट होता है ना, तो उसमें जो है कैपिटल पर सीधा इफेक्ट पड़ता है, प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो, सीधा कैपिटल पर इफेक्ट पड़ेगा। और अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल क्या होती है सर? सीधा सीधा कैपिटल बढ़ जाती है, लॉस होता है तो कैपिटल घट जाती है। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाया है तो कैपिटल बढ़ जाएगी, अगर किसी पार्टनर ने ड्रॉइंग की है तो कैपिटल घट जाएगी। ठीक, तो ये चीज आप लोग को समझानी थी। इसके बाद अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, इलस्ट्रेशन नंबर 22। अब जरा हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, जरा क्वेश्चन को पढ़िएगा आप लोग। कहता है कि ऑन 1st अप्रैल 2013 एक्स वाई जेड स्टार्टेड बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आगे बढ़िए। दे कंट्रीब्यूटेड 1,80,000, इन्होंने 1,80,000 कैपिटल लगाई है, कोई डाउट नहीं है। अब कैपिटल बैलेंस शीट हमें बनानी पड़ेगी ना, दी तो नहीं है बैलेंस शीट, तो 1,00,000 कैपिटल इसने लगाई है, 80,000 कैपिटल इसने लगाई है, एक्स ने वाई ने, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लिखा रहता था वैसे हमने लिख दिया। एंड 40,000, एक और पार्टनर इसने 40,000 लगाई है, कोई दिक्कत नहीं सर। रिस्पेक्टिवली एज दियर कैपिटल विच डिपॉजिटेड इन टू बैंक, कोई दिक्कत नहीं है सर, बैंक से सारी एंट्री पास होगी। ईच पार्टनर विड्रॉ 15,000 ड्यूरिंग द ईयर, अब 15,000 रुपए हर पार्टनर ने विड्रॉ किए हैं, 15,000 रुपए, ये नई चीज है जरा ध्यान देना, ईच पार्टनर विड्रॉ 15,000 ड्यूरिंग द ईयर, अब हर पार्टनर ने 15,000 निकाले हैं हर साल, यानी कि पिछले साल कह लो, तो क्या करें इसे, ऐड कर दें या माइनस कर दें कैपिटल में? सर ड्राइंग हुई है ना तो माइनस कर दीजिए, क्योंकि ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम हो जाती है, ईच पार्टनर लिखा है ना तो तीनों में से माइनस हो गया। समझ में आया? समझ में आया ना क्या हुआ ये? हाँ सर समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है हमें। द फॉर्म वॉज डिजॉल्व इतना, एक्स टुक अप स्टॉक एट एन एग्रीड वैल्यू 25,000। बोलता है कि जब असेट बिक रहे थे तो ये स्टॉक मिस्टर एक्स ले गया 25,000 का, फर्नीचर मिस्टर वाई ले गया 5,000 का, और जो है डेटर मिस्टर जेड ले गया 18,500 का। कितने के हैं ये हमें नहीं दे रखा अभी, ध्यान देना, इतने इतने में ले गए हैं। अरे सर तो इसका मतलब ये रियलाइजेशन में सब जाएगा, बिकता है तो रियलाइजेशन ही में जाता है, ये भी तो एक तरह से बिक ही रहा है ना, वो कह रहा है बाहर वाले को क्या बेचोगे, हमें बेच दो, तो यानी ये सब चीजें रियलाइजेशन की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। क्रेडिटर वर पेड ऑफ एंड रिमेंड बैलेंस ऑफ इतना इन बैंक अकाउंट। अच्छा सर ये क्या है, नई चीज है, थोड़ा इसको अब हम लोग देखेंगे। यानी ये समझ में आ गई, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? हाँ सर, यानी कि सर बैलेंस शीट की जितनी भी इंफॉर्मेशन हम रख सकते थे हमने रख दी,
अब सर यहाँ पर बोल रखा है कि फर्म डिसॉल्व हुई है, एक्स जो है स्टॉक ले गया, वाई फर्नीचर ले गया, जेड ये ले गया, मगर कितने का था ये कहीं नहीं दे रखा, इतने में ले गया। अगर ये लिखा होता कि इतने का था तो यहाँ हम लिखते जाते, मगर बुक वैल्यू तो दे नहीं रख दे मतलब दी नहीं गई है बुक वैल्यू, ये तो रियलाइज वैल्यू दी गई है ना कि इतने पर रियलाइज हुआ है, तो जो रियलाइज वैल्यू दी गई है वो तो रियलाइजेशन में जाएगी, बुक वैल्यू दी रहती तो हमारा यहाँ कुछ काम आता इस साइड असेट साइड में लिखने का, तो अब ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, तो हम क्या करें सर, इनको टोटल कर दो, जो बैलेंसिंग फिगर आए वो अपना सेंड्री असेट मान लेना। अब मान लेंगे कि इसी में स्टॉक है, इसी में डेटर है, इसी में बैंक है, इसी में फलाना ढिमाका सब चीज़ इसी के अंदर शामिल है 1.75 के अंदर, हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते 1.75 को, अगर इन्फॉर्मेशन दी रहती तो हम अलग अलग लिख के 1.75 लिख देते ठीक रहता, मगर इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है तो क्या करें हम, हमें मजबूरी में सेंड्री असेट लिखना पड़ेगा 1.75 और मानना पड़ेगा कि इसी के अंदर स्टॉक डेटर सब कुछ शामिल है। ठीक, तो सर बैलेंस शीट तो बन गई, अब क्या बनाएं, अब आप लोग बताइए क्या बनाना चाहिए सर। अब रियलाइजेशन अकाउंट आप बना दीजिए ना, बना दे रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ सर, अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय, सर जो हमारी वो रहती है ना असेट रहते हैं ना, उसको लेके आते हैं घर से बाहर। तो 1,75,000 के असेट घर से बाहर निकाल लो, 2 सैंडरी असेट, क्रेडिट में था तो डेबिट में बाहर निकाल लिया। इसी तरह सर लाइबिलिटी लेकर के आते हैं, तो देखो कुछ लाइबिलिटी है नहीं सर, ये कैपिटल है, ड्रॉइंग है, कैपिटल है, ड्रॉइंग है सर, ये कोई वो नहीं है लाइबिलिटी यहाँ पे, ये कैपिटल है तो ये सर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ड्राइंग है तो ये तो माइनस हो गया, इसका कोई मतलब है नहीं हमें, नेट कैपिटल 85 है, नेट कैपिटल 65 है, नेट कैपिटल 25,000 है, तो ये सब सर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, इधर भी कोई चीज़ नहीं है कि हम उसे घर से बाहर निकाल सकें, ना ही कोई हमारा अनरिकॉर्डेड असेट या ना ही कोई हमारा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी दे रखा है जिसे हम घर से बाहर निकाल सकें। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। यानी कि हमने असेट निकाल लिया, अब असेट को बेचने का समय आ गया, लाइबिलिटी तो है नहीं जिसका पेमेंट होगा, कहीं लिखा तो है नहीं, अब बोला है कि क्रेडिटर बिक गए हैं, कितने में बिके हैं, क्या बिके हैं, कुछ नहीं बोला तो इग्नोर करो छोड़ो हमें पता ही नहीं, बोल रहा है बिक गए हैं तो चलो भाई बिक गए हैं, कितने के भी बिके होंगे हमें क्या मतलब है उससे, लिखा होता कहीं कुछ बोला होता तो हम उसको देखते। अब जरा देखो असेट बिकना शुरू हुआ, कहता है कि स्टॉक बिका है 25,000 का, 25,000 का बिका है ना, हाँ सर बिका तो है, मगर रुकिए सर ये बिका नहीं है, ये एक्स ले गया है, तो ठीक है यहाँ क्या लिख देंगे, पहले भी कर चुके हैं, एक्स कैपिटल स्टॉक 25,000 का। उसके बाद सर आगे जरा आप पढ़िए ना, देखिए क्या लिखा है, वाई फर्नीचर ले गया है 5,000 का, वाई फर्नीचर ले गया है 5,000 का, तो वाई कैपिटल करके 5,000 लिख देंगे। उसके बाद सर आगे जरा देखिए तो लिखा है जेड ले गया है डेटर 18,500 का, जेड ले गया है डेटर 18,500 का, तो डेटर करके जेड कर देंगे, टू जेड कैपिटल करके 18,500 कर देंगे। उसके बाद देखो बोल क्या रखा है, जरा ध्यान देना, उसके बाद देखो जरा, उसके बाद दे रखा है कि जो पैसा कुछ इनके पास पैसा था जिससे क्रेडिटर का पेमेंट हुआ है, और कुछ पैसा इनको बचा हुआ है 14,000 रुपए बैंक अकाउंट में। ठीक, अब इसको जरा समझने वाली बात है, इसको थोड़ा गौर करना, इसने क्या बोला कि क्रेडिटर का, समझना मेरी बात, समझना हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक, भावनाओं को समझेंगे। कहता क्या है कि ये जो क्रेडिटर थे ना, इनको पेमेंट करना था, इनको पेमेंट करना था, क्रेडिटर को पेमेंट करना था, जाहिर सी बात है सर नहीं बोलता तो हम पेमेंट करते। तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि क्रेडिटर को पेमेंट हुआ है, क्रेडिटर को पेमेंट हुआ है, मगर पेमेंट होने के बाद भी 14,000 रुपए बच गया है बैंक में, 14,000 रुपये बच गया है। क्रेडिटर को पेमेंट हुआ है और 14,000 रुपये जो है बच गया है, जरा क्वेश्चन में देखना लिखा है ऐसा कुछ, क्रेडिटर वर पेड ऑफ एंड द रिमेंड अ बैलेंस ऑफ 14,000 इन बैंक अकाउंट। तो सर यहां पर इसने माना किया, देखो इसने यहां अजम्पशन ये मान लिया, यहां इसने अजम्पशन ये माना हुआ है, हम आपको बता देते हैं, लिखा तो कहीं नहीं है मगर देखो इसने अजम्पशन क्या माना है, ये लाइन लिखने के वजह से अजम्पशन क्या मानना पड़ा इसमें, इसको ये अजम्पशन मानना पड़ा कि एक एक अनरिकॉर्डेड असेट था फर्म के पास, ठीक है, एक अनरिकॉर्डेड असेट था जिसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा थी, हाई थी, इसको जो है क्रेडिटर ने
मान लेते हैं ले लिया, क्रेटन ने इसको टेक ओवर कर लिया इस अनरिकॉर्डेड असेट को, और टेक ओवर करने के बाद क्रेटन ने बोला कि चलो आज से मेरा तुम्हारा हिसाब खत्म और ये लो तुम 14,000 रुपए और। यानी कि हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि क्रेटर को पेमेंट करने के बाद भी हमें 14,000 रुपए मिल गया। यानी कि हम इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि सर हमारा अनरिकॉर्डेड असेट कितने का बिका? सर 14,000 रुपए का। बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल कह सकते हैं सर, ये बात एकदम 100% दिमाग में घुस गई। यानी कि यहाँ इसका कहने का मतलब क्या हो गया सर, जरा एक बार देखिए ना, कहने का मतलब वही हो गया जो भी हमने बताया, क्रेडिटर पेड हुए हैं और बैलेंस 14,000 बच गया। यानी कि कोई अनरिकॉर्डेड असेट था जो कि 14,000 में बिक गया, इनडायरेक्टली ये भी हम कह सकते हैं, तो बाई बैंक करके 14,000 रुपये। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। प्रॉफिट और लॉस निकाल लोगे तो पता चला यहाँ का इतना बैलेंस कम था तो लॉस का बैलेंस आ गया, इन तीनों में बट गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट सर बनाएंगे जब, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट में जाएंगे और कैपिटल का बैलेंस 85, 65, 25 इसको लेकर के आएंगे। नेट वाला जो है 85, 65, 25 लेकर के आए हम लोग। सर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए आप जरा। अब क्या करेंगे सर, अब जरा देखो कोई रिजर्व है इधर, कोई पीएल, कोई गुडविल, कोई और फलाना ढिमाका वर्कमैन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कुछ भी ऐसा है? नहीं सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब क्या करें सर, तो फिर रियलाइजेशन में आप लोग चले जाओ। देखो नाम पार्टनर का इधर नहीं है, इधर ढूंढो तो ये तीनों का नाम दिखा, 56,250, 37,500, 18,750। क्रेडिट में है तो डेबिट में लिखो, टू रियलाइजेशन 25,5,000, 18,500। अरे ये ऊपर तो नाम है ना, इसको हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। देखो एक्स कैपिटल लिखा है 25,000, वाई कैपिटल 5,000, जेड कैपिटल 18,500। तो 25,5, 18,500, उसके बाद फिर ये तीन और नाम है, 56,250, 37,500, 18,750, 56,250, 37,500, 18,250, 18,750। सर ये सब बन गया, अब क्या करें? अब तो कहीं कुछ बचा नहीं है। ऊपर के तीन नाम थे इनको कर दिया, नीचे के तीन नाम थे इनको, सबको लेके आए, टू रियलाइजेशन। एक असेट टेक ओवर का था, एक लॉस का बैलेंस था, सब आ गया। अब सर कुछ भी नहीं बचा, अब बैलेंसिंग फिगर करें, प्लस किया इधर माइनस किया, पता चला टू बैंक, यहाँ कुछ बैलेंसिंग फिगर आया। सेम इसी तरह इधर इसको में से ये दोनों को माइनस किया, इधर आया, पता चला यहाँ का टोटल ज़्यादा था, इधर का टोटल ज़्यादा था, इधर का कम था, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ गया 12,250। तो बाई बैंक डेफिशियंस इधर आता है तो पेमेंट करना है पार्टनर्स को, इधर आया तो पार्टनर से पैसा लेना है फॉर्म को। इसके बाद सर बैंक अकाउंट बना लीजिए। बैंक अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पुरानी बैलेंस शीट में जाते हैं। देखो बैंक का बैलेंस है, नहीं सर नहीं दिया है। अब क्या करें हम सीधा, आप लोग बताओ सर। इसमें आते हैं रियलाइजेशन में, बैंक है नहीं है, बैंक है सर, एक बैंक मिला 14,000 का, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो बैंक है सर 37,50, 22,500 का, डेबिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे 37,50, 22,500 का। और कहीं बैंक है इस साइड? नहीं सर इधर तो अब कहीं बैंक नहीं दिख रहा है, इधर तो बैंक नहीं है, इधर नहीं है, यहाँ का सर एक था लेते आए, यहाँ सर अब नहीं है। इधर देखो सर एक बैंक ये है 12,250 का, जेड कैपिटल में, तो क्रेडिट में है तो डेबिट में आ जाएगा। देखो सब टैली वैली हो गया, सब आपका बन करके हो गया ख़त्म, क्वेश्चन आपका हो गया ख़त्म, चैप्टर लगभग हो गया ख़त्म। एक दो क्वेश्चन और करना है, उसके बाद नए चैप्टर की तरफ हम लोग चलेंगे, पार्टनरशिप अकाउंट, ठीक है? बाकी कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ हमको बताना, आप लोग सॉल्व किया जाएगा उसको। क्वेश्चन को एक बार आप लोग नोट कर लो, कहाँ गया बच्चे क्वेश्चन, कहाँ गया, ये है क्वेश्चन, ये है आपका, इसको नोट कर लेना अच्छे से, ठीक, देख लेना सब। उसके बाद इधर इसका ये सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन नोट कर लेना। ये है रियलाइजेशन, नेट असेट रियलाइज 14,000, 12,250, देख लेना अपना। कोई प्रॉब्लम होती है बता देना, ठीक है? हमें लगता नहीं है कोई प्रॉब्लम होगी, काफ़ी अच्छे से ये आ गया हम लोग को। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, बस दो तीन क्लास और चलेगी उसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग जानते हो क्या करना है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर फ़ोन घुमाइए, चाहे आप जो हो आपकी पूरी मदद की जाएगी, पूरी सहायता की जाएगी आप लोग की। प्रॉब्लम तो नहीं है ना बच्चे, अगर होगा तो ज़रूर बोलना। और बाकी अगर फेस टू फेस क्लास चाहते हो तो उसके लिए तो आना पड़ेगा,
अलाहाबाद, जो अलाहाबाद में है उनके लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी जो है, अगर आपके पास संयम है तो यूट्यूब पे धीरे धीरे सारे लेक्चर्स अपलोड होंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। कोचिंग वगैरह करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे। अभी तो शुरुआत है, बस ये है कि आप लोग देखो रेगुलर रहो, ठीक। और यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि दूसरे बच्चों की भी मदद हो सके जो फीस उस नहीं दे पाते उनकी। चलो ठीक है, टाटा बोलते हैं, बाय बाय।